हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। आज हम गुजराती में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पर्वत तारा। ओके, तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज, मतलब स्वाध्याय पोथी। तो स्वाध्याय पोथी निकालो, उसमें पेज नंबर 10 जहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2, मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। ओके, तो क्वेश्चन 1, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપેલા ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે બોક્સમાં લખો। તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં અમે વિકલ્પ દીએ હે, જો 3 હે। ફર્સ્ટ હે, પર્વત તારા કાવ્યના કવિ કોણ છે? તો હમને જો હમારી ટેક્સ્ટ બુક હે ઉસમે જો ભી કાવ્ય યા ફિર કોઈ ભી સ્ટોરી પોયમ જો ભી સ્ટાર્ટ હોતી હૈ ઉસસે પહેલે યહાં પે ઉસકા નામ દિયા જાતા હૈ કે કિસને લિખા હૈ, ઓકે, કવિ કા નામ। યહાં પે ભી આપ દેખ સકતે હો કે ઇસ वर्कबुक में भी हमें नाम दिया है सुरेश दलाल। तो पर्वत तारा काव्य ना कवि कौन छे? तो सुरेश दलाल, मतलब डी। तो फर्स्ट में आएगा डी। सेकंड है, कवि ईश्वर ना पहड़ा खंभा कोने कहिया छे? ए वृक्ष ने, बी खड़क ने, सी पर्वत ने, या डी सूर्य ने? तो सेकंड में आएगा सी के पर्वत ने। थर्ड है, कवि नी होड़ी ने कौन हंकार से? क्वेश्चन ए नाविक, बी ईश्वर, सी कवि पोते, के डी पवन। तो थर्ड में आएगा बी, मतलब ईश्वर। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, नीचेना दरेक प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, तब हम देखते हैं। फर्स्ट है, कवि कोने भगवान की आँख गणे छे? तो उसका आंसर है कवि सरोवर ने भगवान की आँख गणे छे। सेकंड, कवि प्रकृति में कोना दर्शन करे छे? कवि प्रकृति में ईश्वर ना दर्शन करे छे। थर्ड, कवि ईश्वर ने क्या क्या जुए छे? तो कवि ईश्वर ने सर्वत्र जुए छे। फोर्थ, कवि ईश्वर ना विशाल दिल ने क्या स्वरूपे जुए छे? कवि ईश्वरना विशाल दिल ने दरिया स्वरूपे जुए छे। फिर है 5, ईश्वर संता कुकड़ी क्या रमी रह्यो छे? तो ईश्वर मेघधनुषना रंगों में संता कुकड़ी रमी रह्यो छे। 6 है, ईश्वर क्या स्वरूपे सौगात आपे छे? तो ईश्वर फूलों रंग अने तेमनी सुगंध स्वरूपे सौगात आपे छे। 7, ઈશ્વર આપણી સાથે કઈ રીતે સંતા કુકડી રમે છે? તો ઈશ્વર રાડ ત્રાણને લાડ તેમજ મોરના ટહુકા રૂપે આપણી સાથે સંતા કુકડી રમે છે। ફિર 8, કવિએ જીવન માટે કયો શબ્દ પ્રયોજ્યો છે? તો કવિએ જીવન માટે હોળી શબ્દ પ્રયોજ્યો છે। ઓકે, અભી ક્વેશ્ચન 2 હમારા કમ્પ્લીટ હો ગયા, આપ કરતે ક્વેશ્ચન 3। કાવ્યમાં કવિ પ્રકૃતિના ક્યાં ક્યાં તત્વોમાં ઈશ્વરના દર્શન કરે છે? તો કાવ્યમાં કવિ નીચે મુજબના તત્વોમાં ઈશ્વરના દર્શન કરે છે। પર્વત, સરોવર, દરિયો, મેઘધનુષ, ઝરણા, ફૂલ, પ્રાણીઓ, જીવજંતુઓને વગેરે। ઓકે, તો યહાં પે ક્વેશ્ચન 1, 2 અને 3 હમારે કમ્પ્લીટ હો ગયે હૈ। અભી સામને વાલે પેજ પે ક્વેશ્ચન 4, કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી નીચેના વાક્યોની ખાલી જગ્યા પૂરો। તો તીન હમે દીએ ખાલી જગ્યા, ઉસકે સામને આન્સર દીએ હૈ। તો ફર્સ્ટ હૈ, હે ઈશ્વર હું તને જોઉં છું ક્યાં ક્યાંકને ડેસ? તો હમે જો આન્સર દીએ ઉસમે ક્યાં હૈ, સર્વત્ર યા ક્યાંક? તો ઇન દોનો મેં સે ક્યાં આયેગા? તો ઉસમે આયેગા ક્યાંક, કે હે ઈશ્વર હું તને જોઉં છું ક્યાં ક્યાંકને ક્યાંક। સેકન્ડ હૈ, દરિયો તારું ડેસ વિશાળો, વૃક્ષો તારી વાત, તો દિલ યા હૃદય? તો ઇન દોનો મેં સે ક્યા આયેગા? તો ઉસમે આયેગા દિલ, કે દરિયો તારો દિલ વિશાળો, વૃક્ષો તારી વાત। થર્ડ હૈ, અંજવાળાના ડેસ વચ્ચે અંધારાની નદી વહે? તો આન્સર હૈ કિનારા યા કાંઠા? તો આન્સર આયેગા કાંઠા, કે અંજવાળાના કાંઠા વચ્ચે અંધારાની નદી વહે। ફિર ક્વેશ્ચન 5, નીચેના ભાવ દર્શાવતી પંક્તિઓ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો। તો યહાં પે કોનસી એસી જો પંક્તિ હૈ હમારી કાવ્ય કે યહાં પે હમે ભાવ દર્શાયા હુઆ? ઓકે, વો હમે
भाव को पहचान के उस काव्य की पंक्ति यहाँ पे हमें लिखनी है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है, हे ईश्वर तू तरणा ने तारनारो अने झरणानो मधुर अवाज छे, दरेक फूल में जे रंग अने सुगंध छे ते तारी अमूल्य भेट छे। तो उसमें कौन सी काव्य पंक्ति आएगी, तो उसमें आएगी तू तरणानो तारणहारो झरणानो तू नाथ, फूल फूलों नी रंग सुगंधे तारी छे सौगात। फिर से रिपीट करती हूँ कि कौन से काव्य पंक्ति आएगी, तू तरणानो तारणहारो झरणानो तू नाथ, फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात। फिर क्वेश्चन सिक्स, नीचे शब्दों ना समानार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पे हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन सिक्स, पर्वत तो उसका क्या होगा, पहाड़। सेकंड आंख तो नेत्र, दरियो तो समुद्र, फूल तो पुष्प, फूल तो पुष्प, सूर्य तो दिनकर या फिर रवि, आप तो आकाश। सेवन सोगात तो भेंट, एट नाद तो आवाज। फिर है क्वेश्चन सेवन, विरोधार्थी शब्द, पहड़ू तो साकड़ू, पहड़ू तो साकड़ू, अंधारू तो अंजवाड़ू, लाड तो धिक्कार। फोर्थ है सुगंध तो दुर्गंध। फिर है क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट यहाँ पे दिया है, नीचे ना शब्दों की जोड़ी सुधारो, रड़िया तो ये रड़िया जो डी है वो हमें दीर्घ ई दिया है बट उसमें आता है ह्रस्व ई के, रड़िया त। सेकंड है ईश्वर, तो ईश्वर इस तरह से लिखा जाता है ईश्वर। थर्ड है पतंगियो, तो प त गी यू। फोर्थ है मोर पिच, मोर पिच। फिर है क्वेश्चन नाइन, नीचेना रूढ़ी प्रयोग नो अर्थ आपी वाक्यों में प्रयोग करो। फर्स्ट है विशाल दिल ना होवो, तो उसका अर्थ क्या होगा, उदार होवो, तो उसका यहाँ पे अर्थ लिखेंगे उदार हो। और उसका वाक्य के सज्जनो विशाल दिलना होय छे। सेकंड तारणहार होवो, तो उसका अर्थ होगा उदारक, उदारक होवो। वाक्य ईश्वर सौने तारण हार छे। लास्ट क्वेश्चन टेन, नीचे ना शब्दों ने शब्दकोश ने कक्कावारी ना क्रम में गोठवो। तो यहाँ पे हमें दिए हैं कुछ फाइव शब्द, पर्वत वृक्षों सोगात सिंह ने त्राण, तो उसको हमें कक्कावारी मतलब बारक साड़ी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट आएगा त्राण, फिर पर्वत, वृक्षों, सिंह और सौगात। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर टू जो सभी एक्सरसाइज है वन से लेकर टेन वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नोटबुक में आपको क्वेश्चन टू थ्री, ओके तो आपको सिर्फ क्वेश्चन टू और थ्री ही जो क्वेश्चन आंसर है वही लिखना है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें आपको स्वाध्याय पोथी मतलब वर्कबुक में तो कंप्लीट ही करनी है बट नोटबुक में सिर्फ आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन आंसर ही लिखना है। बट जो क्वेश्चन सिक्स सेवन एट नाइन है वो आपको कंपलसरी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही गलती करते हैं, समानार्थी विरोधार्थी फिर इनमें से जोड़नी सुधारा अर्थ प्रयोग, तो इनमें आप बहुत सारा मार खा जाते हो। ओके, तो ये कंपलसरी आपको ये कुछ वर्ड्स है वो आपको रीड करने हैं। फिर पीछे हमें दिया है प्रवृत्ति, ओके तो वो हमारे काम की नहीं है बट वहाँ पे हमें प्रवृत्ति टू यहाँ पे स और ये वाला स उसका अर्थ क
का हमें भेदभाव दिया है कि ये सर होता है तो उसका मीनिंग सरोवर होता है और ये राउंड वाला सर होता है तो उसका अर्थ होता है बाढ़। तो ये जो वर्ड्स है वो आपको सिर्फ लर्न करने, बाकी लिखना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3।